नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं ICICI बैंक के एक धमाकेदार फंड के बारे में, जिसके अंदर आप अगर पैसा लगाओगे तो आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलने वाला है। आप कितना इन्वेस्टमेंट करोगे तो उसके सामने कितना रिटर्न मिलेगा, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। साथियों, ICICI बैंक भारत का बहुत बड़ा बैंक है, प्राइवेट सेक्टर का बैंक है, बहुत सारे लोगों के अकाउंट है और बहुत स्टेट, सब स्टेट और ऑल ओवर वर्ल्ड में ICICI बैंक फैला हुआ है, इसलिए हम ट्रस्ट कर सकते हैं और इसमें अपना फंड इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में देखने वाले क्या कुछ खास है इसके अंदर। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब कर लो मेरे यारों, सब्सक्राइब कर लो। और दोस्तों, वीडियो को लाइक तो कर दो, लाइक वीडियो को। साथियों, हम बात करें तो ICICI प्रूडेंशियल कमोडिटी फंड है, एक म्यूचुअल फंड है। साथियों, हम बात करें तो म्यूचुअल फंड मतलब ब्रिक्स, क्यों? क्योंकि इसका पैसा जाता है शेयर मार्केट, और ये फंड तो बहुत ही रिस्की है। ये फंड उन लोगों के लिए है जो बोलते हैं अपने को क्या, अपने को तो खाली पानी निकालना है, मतलब एकदम ब्रिक्स रहने वाले बंदे हैं उसके लिए है, नॉर्मल लोगों के नहीं है। अगर आप इसमें पैसा लगाना चाहते हो तो कम लगाना, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना, क्योंकि ये बहुत ही रिस्की फंड है। फंड रिटर्न दे रहा है छप्पड़ फाड़ के, लेकिन सामने उसका रिस्क भी है, इसलिए कम इन्वेस्टमेंट करना, ज़्यादा मत करना। अभी बात करते हैं इसके रिटर्न के बारे में। जब से फंड आया तब से इसने रिटर्न निकाल के दिया है 35%। सोचो तो खरा, 35% इसने रिटर्न निकाल के दिया है, और लास्ट 3 ईयर में इसने निकाल के दिया है 40% एवरेज, 46%, और लास्ट 1 ईयर का है इसका 26%। यानी कि रिटर्न तो बहुत ही अच्छा ही होगा ही ना, क्योंकि सामने रिस्क भी इतना है। अभी दोस्तों बात करें तो इसके अंदर पैसा कैसे लगाए। इसके अंदर पैसा आपको लगाना है, SIP कर दीजिए मिनिमम 500 रुपये से। 500 की करना भाई, मैं तो ज़्यादा की सलाह नहीं देता हूँ, क्योंकि बहुत ही रिस्की है, कब घुस जाए पता नहीं चलता। अगर रिस्क लेने वाले बंदे 1,000, 2,000, 5,000 भी कर सकते हैं। अभी दोस्तों बात करें तो इसका फंड साइज़, है 994 करोड़। यानी कि इतना पैसा इसके अंदर लगा है, इतना पैसा इतने सारे लोगों ने लगाया है इसके अंदर। बहुत ही अच्छा फंड नहीं बोल सकते, लेकिन रिस्की फंड है और अच्छा रिटर्न देता है। अभी बात करते हैं इसका एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो मतलब क्या, आपके पास पैसा ले लिया, वो मुफ्त में थोड़ी करेगा, मैनेज करने के लिए चार्ज लेगा। उसका चार्ज 0.90, यानी कि 1% चार्ज लेता है। और एग्जिट लोड, यानी कि बीच में से अगर आपको निकल जाना है कि नहीं भाई मुझे नहीं लेना, लाओ मेरे पैसे वापस, तो 1% पेनल्टी काटेगा और पैसा दे देगा वापस। अभी साथियों हम आगे बात करते हैं, तो आपके पास तो पैसा ले लिया इसने, लेकिन ये डालता कहाँ है पैसा, यानी कि उसकी होल्डिंग्स कहाँ कहाँ पे है, इसकी होल्डिंग्स और किस किस कंपनी में इसने पैसा लगाया है। इसकी होल्डिंग है JSW स्टील, यानी कि जिंदाल स्टील के अंदर है 8.5%, फिर टाटा स्टील के अंदर 8.5%, फिर अल्ट्राटेक सीमेंट में 8%, फिर जिंदाल स्टैंडलाइन लिमिटेड में 7.5%, NMDC स्टील में है 5.5%, जिंदाल स्टील एंड पावर में 5.5%, फिर ग्रासिम इंडस्ट्री में 4.5%, अंबुजा सीमेंट में 4.25%, ACC सीमेंट में 3.82% और भारत पेट्रोलियम में 3.64%। यानी कि ये कॉमोडिटी रिलेटेड है, पेट्रोलियम स्टील वगैरह इसके अंदर इसका इन्वेस्टमेंट है। ये तो चलने ही वाले हैं पेट्रोलियम और स्टील, इसके लिए अंदर आपको रिस्क ले सकते हो। अभी दोस्तों बात करें तो आप कितना पैसा लगाओगे तो उसके सामने आपको कितना रिटर्न मिलेगा। साथियों, हम बात करते हैं, अगर आपने खाली 1,000 रुपये मंथली इन्वेस्टमेंट करते हो 10 साल तक, यानी कि आपका पैसा टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 1,20,000, उसके सामने रिटर्न मिलेगा 10 साल बाद 5,70,000 रुपये, काफ़ी अच्छा रिटर्न है। अभी ये आप 15 साल तक कंटिन्यू करते हो तो आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 1,80,000 और उसके सामने मिलेगा 21,87,000। खाली 1,80,000 के सामने 21,87,000, ये कुछ बात हजम नहीं होती, लेकिन क्या हजम करना पड़ेगा, इतना रिटर्न है तो इतना बन सकता है। अभी आगे बात करें तो 20 साल के लिए अगर आप पैसा लगाओगे तो आपका पैसा लगेगा 2,40,000 और उसके सामने मिलेगा 80,30,000। इतना सारा पैसा खाली 2.5 लाख के सामने, ये भी हजम नहीं होता, लेकिन हजम करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि इसका रिटर्न ही इतना फाड़ू है। अभी आगे हम बात करें तो 25 साल तक आप लगाओगे 1,000,000 तो आपका टोटल आपके जेब में से जाएगा 3,00,000 रुपया और उसके सामने मिलेगा आपको 2,90,00,000 रुपया, है ना धमाकेदार। 1,000 रुपया इन्वेस्ट करो, इससे ज़्यादा मत करना, मैं सलाह नहीं देता हूँ। तो चलो, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।